टेनिस क्रिकेट मुंबई में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो अर्शद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इतने लंबे समय से देखा जा रहा है बॉक्स क्रिकेट खेलते हुए, तो हम सभी जानना चाहते हैं कि आप अपना क्रिकेट आइकॉन किसे मानते हो बॉक्स क्रिकेट में? मैं तो अपना क्रिकेट आइकॉन शमशु भाई को मानता हूँ। बहुत सालों से खेल रहा हूँ उनके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मुमरा के सबसे पहले जो स्टार है, लेजेंड, वो शमशु भाई ही है। बिल्कुल, शमशु भाई को आज भी लेजेंड कहा जाता है, लेकिन अब जैसे देखा जा रहा है कि मट्टी का विकेट जैसे पहले बॉक्स क्रिकेट हुआ करता था, अब थोड़ा डिफरेंट क्रिकेट आ चुका है, टर्फ का क्रिकेट आ चुका है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आज की तारीख में, आज के दौर में टर्फ पे सबसे अच्छा प्लेयर कौन है? सर, टर्फ पे तो आजकल सबसे अच्छा प्लेयर मैं मानता हूँ रफीक है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो। आप उनको इतना अच्छा मानते हो अगर, लेकिन देखा गया कि अक्सर आपकी और उनकी थोड़ी बहुत बहस होती रहती है ग्राउंड पर, तो इस मामले में क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो थोड़ा ओवर करता है, दिमाग ज्यादा लगाता है। ओके, और अय्यूब, अगर आपसे पूछा जाए कि टर्फ क्रिकेट में आज की तारीख में आप सबसे अच्छा प्लेयर किसे मानते हो, तो आप किसका नाम लोगे? टर्फ क्रिकेट में आज की तारीख में सबसे अच्छा फील्डर मानता हूँ इब्राहिम को। इब्राहिम दलवे? जी, इब्राहिम दलवे जो लेफ्ट हैंड है, वो काफी बैटिंग भी अच्छी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग काफी अच्छी करता है। बिल्कुल, देखा गया पिछले कुछ सीजन में उन्होंने काफी बढ़िया एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है। सो यंगस्टर में भी उनका नाम आप ले सकते हो जी। और जरूर हम जानना चाहेंगे अर्शद, जैसे कि अभी टर्फ क्रिकेट आ चुका है तो देखा जा रहा है लोगों में काफी लोकल प्लेयर्स को काफी चांस मिल रहा है, अभी ऑक्शन वगैरह होने लगे हैं, उसके अलावा लीग मैचेस के टूर्नामेंट में भी देखने मिल रहे हैं जो पहले के दौर में नहीं हुआ करते थे, तो इस मामले में क्या कहना चाहोगे अर्शद? नहीं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जब से ये यूएमपीएल चालू किया है फरहान ने, उसके बाद एफपीएल हुआ है, फिर बिग ब्लास्ट हुआ है, इसमें छोटे छोटे प्लेयरों को भी बहुत मौका मिल रहा है कि अच्छा करने का, मैच खेलने का, जो लोग खेल नहीं पाते थे बेचारे उनको चांस मिला है। और अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद मैं तो देखा हूँ बड़ी बड़ी टीमों में खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो एमसीसी में खेल रहे हैं कुछ लोग एसके चैंपियन में खेल रहे हैं, बीबीटीए में लोगों को चांस मिला है खेलने का। बिल्कुल। सो अय्यूब, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि हम हमारे दौर में ये चांस नहीं मिले करते थे, आजकल के यंगस्टर्स को काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इस बारे में अभी जो ये एमटीएल वगैरह हो रहा है, एफपीएल हो रहा है, इसके अंदर पब्लिक को चांस मिल रहा है और भी खेल भी अच्छा। हमारे टाइम पे तो एफपीएल एमटीएल वगैरह नहीं होता था, हमारे टाइम में मैच वगैरह खेलते थे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो उसके बाद बैटिंग का चांस वगैरह मिलता था, लेकिन आज की तारीख में जो एमपीएल एफपीएल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसके से काफी बच्चे को चांस मिल रहा है खेलने का। तो आपको क्या लगता है ये जो उनको चांस मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इससे उनके एटीट्यूड पे कोई फर्क पड़ रहा है? आपको ऐसा लगता है कि हमारे वक्त में जो होता था, हम सीनियर प्लेयर की काफी इज्जत किया करते थे, अभी के दौर में आप ये बात को मानते हो? नहीं, आज के ऐसा एटीट्यूड तो कुछ है नहीं, बाकी लोगों को एक चांस मिल रहा है, उनकी बैटिंग हो रहा है तो लोगों का हो रहा है, अच्छा रहा था खेलने का चांस मिल रहा है, कोई एक आध दो फील्डर जिसमें एटीट्यूड वगैरह है, लेकिन बाकी लोग को ऐसा एटीट्यूड दिखने में नहीं आ रहा है। ओके, सो जैसे कि अर्शद आपने कहा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड वो एग्रेशन में दिखा देते हैं, तो क्योंकि अभी देखा गया है कि टर्फ क्रिकेट में पैसा भी काफी ज्यादा हो गया है, पहले के दौर में इतना पैसा नहीं था, लोग क्रिकेट के हिसाब से खेलते थे, तो आपको क्या लगता है ये चीज अच्छी हुई है जो पैसे का आना, जैसे ऑक्शन में एक पॉइंट का 30 रुपीज दिया जाता है, फिर प्लेयर्स को पॉइंट्स के पैसे मिलते हैं, तो इस मामले में आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, ठीक है, पैसा आना चाहिए, लेकिन इतना भी पैसा नहीं मिलता है, लोग इतने से थोड़े से पैसे के लिए गेम खराब कर देते हैं कभी कभी, मैं देखा हूँ बहुत। पैसा आ रहा है अच्छी बात है, लोग कमा रहे हैं उसमें पैसा मिलता है, लेकिन इतना नहीं पैसा मिलता कि घर चले उससे, इसलिए इसको क्रिकेट को क्रिकेट की जैसा लेना चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो यूएमपीएल रख रहे हैं, एफपीएल रख रहे हैं, इनको क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है उन्होंने? नो डाउट बहुत अच्छा दे रहे हैं, वो लोग पैसा भी दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पैसा मिल रहा है कि मैं जितने पॉइंट में जाऊँ उतना वो हिसाब से मिल रहा है, वो बहुत अच्छी चीज है, ये तो मतलब नया है अपने मुमरा के लिए, तो बहुत नई चीज हो गई है। बिल्कुल, और लोगों को, यंगस्टर को तो बहुत चांस मिल रहा है। बिल्कुल। सो जैसे कि आप एक बहुत सीनियर प्लेयर हो, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, अक्सर कुछ डिसीजन को लेकर के मगजमारी देखने को मिलती है टूर्नामेंट में, थोड़े कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं उसको लेकर के, अंपायर के डिसीजन को लेकर के होता है। सो हर बार देखा गया है कि एक चीज होती है कि बॉल को डेड दिया जाता है, या फिर दोनों एक टीम को एक रन दे दिया जाएगा और बॉल काउंट कर दिया जाएगा, सो इस मामले में आपकी क्या राय रहती है जब कभी आप ऐसा कोई सिनेरियो देखते हो, सो आपको क्या लगता है वहां पर क्या होना? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कभी कभी होता हूँ, करना पड़ता है टूर्नामेंट आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों टीम मांगने को तैयार नहीं रहती है, तो ये बीच का एक रास्ता निकाला जाता है, उसमें ऑर्गेनाइजर भी बेचारे ज्यादा ऑर्गेनाइजर ही पीसते हैं। बिल्कुल, वो सही भी चीज है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी सबसे अच्छा मैं बोल रहा हूँ टूर्नामेंट हुआ था बिग ब्लास्ट में, बिल्कुल, जो हुआ है फिलहाल, बिल्कुल, उसके अंदर कुछ भी नहीं, अंपायर ने जो डिसीजन दे दिया ना रिव्यू ले सकते हो, हालांकि कैमरा था पहले बोल रहे थे वो लोग रिव्यू देने, वो भी कैंसिल किए, अंपायर ने जो डिसीजन दिया उसको मानना है, ये बहुत अच्छी चीज थी। लोग
ओके और अयुब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी यूट्यूब भी लाइव हो चुका है सो कुछ डिसीजंस पर लेकर थोड़ी बहुत सी एक बहस हो जाती है कि आप यूट्यूब पर देख सकते हो तो आपकी क्या राय रहेगी, देखा जाना चाहिए या फिर अंपायर के डिसीजन को मानकर चलना चाहिए? जैसा अब यूट्यूब लाइव किया जा रहा है अगर पहले डिसाइड किया जा रहा है रिव्यू वगैरह है रिप्ले वगैरह है तो देखा जा रहा है ज्यादा बेहतर है। अगर पहले डिसीजन में बोला जाता है कि रिव्यू वगैरह नहीं है अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन है तो अंपायर डिसीजन पे ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन टाइम पास बहुत हो जाएगा रिव्यू फिर हर कोई मानेगा रिव्यू। हाँ क्योंकि काफी छोटा गेम है काफी जल्दी जल्दी गेम डालनी होती है यहाँ तक कि हमने देखा है जो एडिटर होते हैं यूट्यूब पर लाइव कर रहे होते हैं वो एडिट करने वाले उनको भी काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफी जल्दी जल्दी में बॉल्स डाली जाती है तो इस चीज को लेकर जैसे कि हम सभी का यही मानना रहता है कि अगर कोई ऐसी बहस होती है या ये सारी चीजों का होता है तो सीनियर प्लेयर से पूछा जाए। जैसे कि अभी अगर आप लास्ट टूर्नामेंट में देखोगे बिग ब्लास्ट में एक चीज देखने को मिली थी कि जो दो रन भाग गए थे सेमीफाइनल में अर्शद आप ही उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे सो जो बॉल को डेड किया गया था कीपर की तरफ से बॉल को स्टंप पर लगाकर गया था रखा गया था उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे क्योंकि उस बॉल को डेड नहीं दिया गया था। वो तो डेड था भी नहीं वो मतलब यंगस्टर था अबासी उसको इतना समझ में नहीं आया उसको लगा कि बॉल लगे रखे रहने से डेड होता है लास्ट बॉल पे होता है सेकेंड लास्ट बॉल थर्ड लास्ट बॉल पहली बॉल दूसरी बॉल पे ऐसा कोई रूल नहीं है बॉक्स क्रिकेट में भी नहीं है इंटरनेशनल में भी नहीं है इंटरनेशनल में तो लास्ट बॉल पे भी नहीं है लेकिन ये बॉक्स क्रिकेट में तो ये रूल है ही नहीं कि सेकेंड लास्ट बॉल उसको अगर थोड़ा ध्यान देता मैच में तो हमारे टाइम पे रेहा वैसी रन क्रॉस करके गया था वो लोग डेड कर रहे थे लेकिन क्रॉस कर दिया सामने वाला बैट्समैन आउट हो गया था लेकिन उसको डेड नहीं दिया गया था। ओके सो यानी अगर एक रूल अभी हमें सीखने मिला कि अगर आखिरी बॉल होगी तो बॉल डेड कर दिया जाएगा बैट स्टंप पे लगा के रखे तो वो डेड माना जाता है बॉक्स क्रिकेट में अंडर आर्म में माना ही जाता है। ओके अय्यूब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हो क्रिकेट काफी ग्रो हो रहा है काफी जल्दी जल्दी से क्रिकेट आगे बढ़ रहा है लेकिन जैसे कि हमने देखा है जब मिट्टी का विकेट होता था बॉक्स क्रिकेट होता था तो आपका गेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता था अभी टर्फ पे आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे देखा जाए बॉक्स में बॉक्स का गेम अलग होता है बिल्कुल बॉक्स का गेम मेरा फेवरेट गेम है बिल्कुल बॉक्स में खेलने का तरीका अच्छा है ये टर्फ में जैसे ज्यादा गेम में टर्फ में खेला नहीं हूँ बचपन से लेके आज तक बॉक्स ही खेला जा रहा है इससे बॉक्स ज्यादा बेहतर है टर्फ में कभी कभार खेलने का मौका मिलता है तो टर्फ में इतना बैटिंग वगैरह नहीं हो पाता है जिस तरह बॉक्स में बैटिंग वगैरह होती है तो इसलिए टर्फ में ज्यादा चांस नहीं मिलता खेलने का इसलिए बॉक्स ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। ओके और अर्शद आपसे भी जानना चाहेंगे हम कि जैसे अभी ओपन क्रिकेट के मुकाबले ही आ चुका है टर्फ क्रिकेट जोर से खेलना होता है और हमने देखा है कि स्टार बॉयज जल्द से जो ओपन क्रिकेट होता है वो जल्दी नहीं भरती है कहीं टूर्नामेंट में सो आपको क्या कुछ फर्क पड़ा है टर्फ क्रिकेट आने से या फिर आप बॉक्स की तरह ही बहुत अच्छा अच्छे से बल्लेबाजी कर पा रहे हो? नहीं फर्क तो पड़ा है टर्फ क्रिकेट में सबसे ये है कि जो प्रैक्टिस करेगा वही खेल पाएगा ये चीज मैंने देखा हूँ जो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं उनकी भी देख लो बैटिंग और बॉलिंग देख लो फील्डिंग देख लो सब वही हिसाब से हम लोग तो बॉक्स खेलते खेलते पड़े हुए जी। हम लोगों को तो पहले स्टार्ट में जब ये टर्फ क्रिकेट मुमरा में आया तभी हम लोगों को नहीं लगा था कि हम लोग कभी खेल पाएंगे हम लोग का जो पहला टूर्नामेंट था हम लोग ये जेके टर्फ पे हुआ था उसमें तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं खेलेंगे लेकिन फिर मैंने अप्रोच किया कि खेलते हैं मुमरा में मुमरा का टूर्नामेंट नहीं छोड़ सकते इतनी बड़ी टीम हो कि मुमरा का टूर्नामेंट छोड़ा पागल बनती है खेले अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल तक पहुंचे थे सेमीफाइनल में हार गए थे। ओके सो जैसे कि टर्फ क्रिकेट में आपने बताया कि काफी चैलेंजेस भी है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को खेलने मिल रहा है लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि साइड आर्म को लेकर भी थोड़े बहुत मसले क्रिएट हो रहे थे अभी जावेद जो है जावेद खान उनको अंपायरिंग के लिए बुलाया जाता है सो आप क्या कहना चाहोगे क्योंकि देखिए अभी जैसे देखा जा रहा है साइड आर्म भी काफी कम हो गया है मेरी राय में तो आपको क्या लगता है अंपायर जो है वो प्रोफेशनल ही रहना चाहिए या फिर जिनका ऑर्गेनाइजर होते वही अंपायर बने? नहीं नहीं प्रोफेशनल अंपायर ही रहना चाहिए जावेद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहा है होता है इंसान में वो भी गलती हो जाती है एक दो गलती डिसीजन हो जाता है उससे भी तो उसको लेके ये नहीं बोलना चाहिए कि वो खराब ही अंपायर है बहुत अच्छा डिसीजन देता है वो और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसके आने से अंपायर मतलब प्रोफेशनल रखने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्रिकेट हो गया मुमरा का काफी सुधार बहुत झगड़ा नहीं होता है ऑर्गेनाइजर से कुछ झगड़ा नहीं होता है ना कुछ होता है वो डिसीजन दे देता है मानना पड़ता है ये लेकिन ऑर्गेनाइजर को हमेशा अंपायर का साथ देना चाहिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजर है तो उसने कुछ गलत डिसीजन दे दिया तो आके बोलो तुम्हारा डिसीजन गलत था उसको चेंज करो ये नहीं करना चाहिए अंपायर ने जो दे दिया वो दे दिया। बिग क्लास में मैंने यही एक चीज देखा कि अंपायर आके पूछते थे भाई क्या है आपने क्या डिसीजन दिए तो अंपायर बोलते मैंने ये दिया तो बस इसी पे कायम रहो ना रिव्यू देना है ना कुछ देना है बस जैसे फॉर्म पर लिखा जाता है कि अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन मुमरा में तो कभी मैंने नहीं देखा कोई मान ले अभी आजकल मान ले।
सो अगर आपसे पूछा जाए अर्शद कि आपकी क्या राय रहेंगी अभी जैसे क्रिकेट काफी ग्रो हो रहा है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी तरफ से क्या ओपिनियन रहेगा कि क्रिकेट में और क्रिकेट को इसी तरह आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं अभी ऑक्शन आ चुका है, फिर लीग मैचेस हो रही है तो लोगों को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। पहले नॉकआउट मैचेस होते थे तो एक मैच में अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते थे, अभी उनको 3 से 4 मैचेस मिल रही है। सो आपकी तरफ से ऐसी क्या राय रहेगी, क्या ओपिनियन रहेंगे जिससे बच्चों के क्रिकेट में ग्रोथ देखने को मिलेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। अभी जो फिलहाल मुमरा का क्रिकेट है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पहले लोग मुमरा में आने के लिए मतलब बाहर की टीम आती नहीं थी मैच खेलने के लिए, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर 16 टीम की मैच रहती तो 8 टीम बाहर की रहती है। ये चीज बहुत अच्छा हो गया अभी मुमरा आजकल, मतलब मुमरा का क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल, जैसे अर्शद आपने भी एक बात छेड़ी कि मुमरा में जो बाहर की टीमें नहीं आती थी, तो जहां तक कि मैं समझता हूँ कि पहले ऐसा होता था जब बॉक्स क्रिकेट था सब जो बैट्समैन थे मुमरा के वो काफी आगे चले जाते थे नोकी लाइन तक, तो बाहर की जो टीमें होती थी उनका हमेशा यही रहता था कि वो लोग बॉल डालने का मौका नहीं देते, फुल टॉस बनाकर खेलते। तो अभी ये रूल्स भी एक आया है कि लाइन के अंदर खड़े रहकर खेलना है। सो क्या आपको इससे तकलीफ होती है, कुछ दिक्कत होती है अंदर खड़े रहकर? आगे भी खड़े होना रहता था तो भी मैं क्रीज में बैठ के खेलता था, क्रीज में रहकर खेलता था, आदत ही नहीं। हम लोग बचपन से ऐसी क्रीज में ही खड़े होकर खेलते आए। बाकी 2-4 बैट्समैन तो मैं नाम भी बता सकता हूँ, उनकी बैटिंग पे बहुत फर्क पड़ा है, इफेक्ट हुआ है बुमराह के प्लेयर पे। बिल्कुल, जैसे आपकी टीम में एक जादू है अरफात, उनकी भी बैटिंग उनको देखा जाता था कि काफी आगे निकल कर खेलते थे। फिर वो एमसीसी के शाहरुख है, ये लोग आगे खड़े हो गए, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है। आगे खड़े होने उनको मिल गया तो और अच्छे बैटिंग करते हैं, बैटिंग तो अभी माशाल्लाह अच्छा ही कर रहे हैं ये लोग। अय्यूब, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रूल्स आया कि लाइन के अंदर खड़े रहना जब तक बॉलर एक्शन नहीं करता, इससे आपकी बैटिंग को क्या लगता है, आपको कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, ये जो रूल्स आया अंदर खड़े रहने का, इससे मेरी बैटिंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अभी जब से स्टार्ट किया हूं खेलना अंदर से ही खेलता हूं, और उसके बाद आज भी मैं अंदर से ही खेलता हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये अच्छा रूल्स है। तो अगर आप बॉलर होते तो बॉलर की राय में आपसे अगर पूछा जाता कि ये बॉलर के लिए एक बेनिफिट है, देखा अच्छा बेनिफिट है बॉलर के लिए, तो आपके हिसाब से ये रूल्स को आगे कंटिन्यू करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल। ओके, सो जैसे कि हमने देखा ये अर्शद और अय्यूब जो कि हमारे साथ जुड़े थे, हम आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप टेनिस क्रिकेट मुमरा के साथ जुड़े। अर्शद, जाते जाते सबसे आखिरी चीज जो हम जानना चाहते हैं कि जैसे देखा जा रहा है आपको काफी सालों से आप स्टार बॉयज को चला रहे हो, सो काफी अनबन भी देखने को मिलती है, एक टीम है तो होती है थोड़ी बहुत बहस होती है, सो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा सभी टूर्नामेंट्स खेलते हो, सो जो टूर्नामेंट में आप टाइम देते हो, जो टूर्नामेंट में कभी नाइट टूर्नामेंट होता है कभी कभी पूरी रात निकल जाती है, तो इससे आपकी पर्सनल लाइफ को कुछ इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी यंगस्टर्स को देखा जा रहा है जो घर से निकल रहे हैं नाइट टूर्नामेंट खेलने के लिए, बट टूर्नामेंट अगर जल्दी भी हो जा रहा है तो वो नहीं जा पा रहे, घर नहीं जा रहे, सो जो लोगों का भरोसा था क्रिकेट को लेकर वो फैमिली वालों का थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप कि जो टूर्नामेंट्स नाइट में हो रहे हैं बच्चों को यंगस्टर्स को आगे बढ़ने में मौका मिल रहा है? उससे मौका तो मिल रहा है, लेकिन ये पेरेंट्स की इतनी गलती नहीं जितना बच्चों के, 12 बजे भी मैच खत्म होगा तो 4 बजे जाएंगे, तो उससे घर वालों को लगेगा ना कि ये बच्चा धोखा दे रहा है खेलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो कभी घर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने मैच खेलना स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था चिल्लाएंगे, लेकिन मेरे अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मैच खेलने जाओ बोल देता था तो कभी मतलब पूछे नहीं कि क्या है कब आया, 1 बजे 2 बजे मैं आ जाता था, और पहले तो मैंने और अय्यूब ने जब हम लोग चालू किए थे खेलना तो रात भर फजर की अजान तक मैच चलता, फजर की नमाज के बाद कितनी बार तो मैच खेला गया, फाइनल मैच फजर की नमाज हो गई, सुबह हो गई, उसके बाद हम लोग खेल के जाते, तो भी इतना सवाल नहीं किया। यंगस्टर लोग को मतलब ये है कि अच्छा, और थोड़ा अभी भी 12-1 बजे खत्म हो जाता है, कोई कोई टूर्नामेंट है कि 2-3 बजे तक जाता है, उनको भी टाइम थोड़ा जल्दी करना चाहिए। जी अय्यूब, आपकी क्या राय रहेंगी इस बारे में कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ता है इस चीज से? पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, लेकिन मेरी राय ये है कि जो टूर्नामेंट 9 में होता है जल्दी चालू किया जाए 7-8 बजे तक, और 12-1 बजे खत्म कर दिया जाए ज्यादा बेहतर। ओके, सो आप दोनों का टेनिस क्रिकेट मुमरा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अर्शद अय्यूब। थैंक यू।